शनाया और शौर्या में हुई लड़ाई, करण ने करवाया अपना लूथरा हाउस अंशुमन पांडे के नाम। क्या है पूरी खबर, चलो तो इस पर बात करते हैं। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जहां पर शौर्या जेल से बाहर आ जाने वाला है और शौर्या के जेल से आने की खुशी में करण पार्टी रखेगा और उस पार्टी में अंशुमन पांडे भी आएगा। अंशुमन पांडे कहता हुआ नजर आएगा कि अगर तुम चाहते हो कि राजवीर भी जेल से बाहर आ जाए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जिस पर करण कहेगा कि मैं राजवीर को जेल से निकलवाने के लिए तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। अंशुमन पांडे कहता हुआ नजर आएगा कि फिर अपना लूथरा हाउस मेरे नाम करवा दो। ये सुनकर करण काफी ज्यादा शौक हो जाने वाला है। दूसरी तरफ शनाया भी शौर्या से मिलने के लिए उसके कमरे में जाएगी, जहां पर शौर्या और शनाया के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो जाने वाली है और शनाया शौर्या के कमरे से गुस्से से आ जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ पलकी जब शौर्या से मिलने जाएगी तो शौर्या पलकी से काफी अच्छे तरीके से बात करने वाला है और ये चीज शनाया को पसंद नहीं आएगी। वेल, अब ये देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या करण अपना लूथरा हाउस राजवीर को जेल से निकलवाने के लिए अंशुमन के नाम कर देगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।